12 मार्च को गैंगस्टर काला जठेरी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी शादी रचाने जा रहे हैं। ये शादी दिल्ली के द्वारका के एक बैंक्वेट हॉल में होने जा रही है। 12 मार्च को काला जठेरी को सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक यानी सिर्फ 6 घंटे की पैरोल मिली है। शादी में स्वैट कमांडोज से लेकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस के शातिर जवान भी मौजूद होंगे। लेकिन शादी में जिस बात को लेकर पुलिस को सबसे ज्यादा डर लग रहा है वो ये है कि काला जठेरी बहुत बड़ा गैंगस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसका गहरा रिश्ता है। इतना ही नहीं, लॉरेंस काला जठेरी को बड़ा भाई मानता है और अनुराधा भी लॉरेंस के काफी करीबी रही है। इन दोनों के लव स्टोरी के शुरुआती दिनों में लॉरेंस ने काफी मदद की थी, इसलिए इस चीज की काफी आशंका है कि 12 मार्च को दिल्ली की सड़कों पर एक खतरनाक गैंगवार देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, काला जठेरी की जान को भी काफी खतरा बताया जा रहा है। दरअसल अनुराधा चौधरी काला जठेरी से पहले गैंगस्टर आनंद पाल के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है और अनुराधा आनंद पाल के दुश्मन लॉरेंस के साथी काला जठेरी से शादी करने जा रही है। अनुराधा के इस निर्णय से गुज्जर समाज और राजपूत समाज काफी नाराज है और वो काला जठेरी के जेल से बाहर आने की ताक में बैठे हैं। गुज्जर समाज इस बात से काफी नाखुश है कि अनुराधा पहले गुज्जर समाज के लड़के यानी आनंद पाल के साथ थी और अब जाट समाज के ताल्लुक रखने वाले काला जठेरी से शादी रचाने जा रही। उधर राजपूत समाज भी सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के बाद गुस्से से भरा पड़ा है और लॉरेंस गैंग के खिलाफ बदले की आग लेकर बैठा है, जिसके चलते काला जठेरी की शादी में गैंग वॉर होने की भी काफी आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, लॉरेंस गैंग की सबसे बड़ी दुश्मन यानी बम्बीहा गैंग और नीरज बवाना गैंग भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन ये सब लॉरेंस और काला जठेरी के दुश्मनों के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जिस बैंक्वेट हॉल में ये शादी होने जा रही है वहाँ हॉल के अंदर से लेकर बाहर कई सौ मीटर तक स्वैट के कमांडोज होंगे। ये कमांडोज सिविल ड्रेस में बाराती के रूप में शामिल होंगे, लेकिन इनकी निगाह पूरे बैंक्वेट हॉल पर रहेगी। अगर शादी के दौरान किसी भी तरह अलग एक्टिविटी नजर आई तो ये कमांडोज बिना किसी इजाजत के अपने ऊपर सारी कमान ले लेंगे और फिर किसी भी गैंगस्टर का जिंदा बचना मुश्किल है और इस काम में इनके पैर जरा भी नहीं कांपेंगे। ये कमांडोज इतने शातिर है कि 300 मीटर की दूरी तक सिक्के के बराबर 4 सेंटीमीटर के टारगेट पर भी इनका निशाना नहीं चुकता। तो ऐसे में सोचिए गैंगस्टर और उनके गुर्गों का क्या हाल करेंगे ये कमांडोज। गेट से लेकर हॉल के अंदर और बाहर या फिर यूं कहें कि बैंक्वेट हॉल के चप्पे चप्पे पर स्वैट कमांडोज खतरनाक हथियारों के साथ तैनात रहेंगे। स्वैट कमांडोज के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम, राजस्थान और हरियाणा पुलिस के जवान भी मौजूद रहेंगे। सभी जवान सूट बूट पहनकर बाराती घराती के वेश में शामिल रहेंगे। वहीं कुछ जवानों को वेटर भी बनाया गया है। इतने जबरदस्त बंदोबस्त के बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसके चलते गैंगवार होने के भी बहुत कम चांसेस है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।